हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि घड़ी को देखकर समय कैसे बताते हैं। ये एक घड़ी है। घड़ी में तीन सुई हैं और चारों तरफ नंबर हैं। घड़ी में जो नंबर हैं, वो समय के घंटों को दिखाते हैं और कितने मिनट हुए हैं उस घंटे में इसे भी। हम घड़ी में सुइयां देख सकते हैं। यह छोटी सुई घंटे की है। यह हर घंटे में प्रत्येक अंक पर घूमती है और एक पूरा चक्कर लगाने में 12 घंटे का समय लेती है। यह मिनट की सुई है। यह एक पूरा चक्कर लगाने में 1 घंटा हो जाता है इसे। घड़ी का हर अंक 5 मिनट को दर्शाता है। तो अगर मिनट की सुई 1 पर है, इसका मतलब है कि 1 घंटा होकर 5 मिनट हुआ, और अगर 2 पर आती है तो मतलब 10 मिनट हो चुका है, और इसी तरह आगे। अभी 2 बजा है। यह हमें कैसे पता चला? हम जानते हैं कि घंटे की सुई 2 पर है, मिनट की सुई 12 पर। इसका मतलब है कि 1 भी मिनट नहीं हुआ है, इसलिए बजा है 2। अब मिनट की सुई 1 पर जाती है, क्योंकि हर नंबर 5 मिनट को दिखा रहा है, तो हम क्या कहेंगे? 2:05 हो चुका। अब मिनट की सुई अगर 6 पर है तो कितना हुआ 2:06 का गुना 5 में कर लेते हैं तो हो जाता है 30, यानी 30 मिनट हुए हैं। तो समय क्या हुआ? 2:30। यहाँ घंटे की सुई पर नजर डालो, क्या अभी भी घंटे की सुई 2 पर है? नहीं, ऐसा नहीं है ना। आप देखो, यह बिल्कुल 2 और 3 के बीच में है। अब देखो, मिनट की सुई 11 पर आ गई, यानी कितना समय हुआ? 11 का 5 में गुणा करते हैं तो मिलता है 55। इसका मतलब है 2:55। आप देखेंगे कि घंटे की सुई 3 के बिल्कुल करीब आ चुकी है। चलो अब एक अलग समय दिखाते हैं घड़ी में, ठीक है? सबसे पहले तो हम 4 बजाते हैं। तो क्योंकि हमें 4 बजे दिखाना है, तो घंटे की सुई 4 पर होनी चाहिए। 4:00 होना चाहिए, है ना? इसका मतलब है कि मिनट की सुई 12 पर ही होनी चाहिए। बच गए 4। चलो अब 6:20 करते हैं। कैसे करेंगे? घंटे की सुई 6 पर होनी चाहिए और मिनट की सुई होनी चाहिए 20 मिनट पर, है ना? तो चलो 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तब तक जब तक कि 20 ना आ जाए। देखते हैं कौन सा नंबर आता है। 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 और 5 × 4 = 20। इसका मतलब है कि मिनट की सुई होनी चाहिए किस पर? 4 पर। तो मतलब 4 हमें 20 मिनट दिखाता है। याद रखो कि घंटे की सुई डायरेक्ट 6 पर नहीं है। जब समय 6:20 पर है, यह 6 और 7 के बीच में है, पर 6 की थोड़ा सा ज्यादा नजदीक है। अब चलो 10:45 दिखाते हैं। 10:45 का मतलब है घंटे की सुई 10 पर होनी चाहिए और मिनट की सुई 45 मिनट दिखाना चाहिए। हम 5 का पहाड़ा तब तक पढ़ते हैं जब तक 45 पर आना जाए, या हम 45 को 5 से भाग भी कर सकते हैं। 45/5 = 9। इसका मतलब है 9 हमें 45 मिनट दिखाता है। याद रखो कि घंटे की सुई डायरेक्ट 10 पर इशारा नहीं कर रही। जब समय 10:45 है, तब यह सुई 10 और 11 के बीचों बीच है और 11 के थोड़ा ज़्यादा करीब। तो मतलब लगभग 11 बज चुके हैं। अब बताओ कितना बजा है? 3 बजा है। 2 घंटे बाद क्या समय होगा? इसका मतलब है कि हमें घंटे की सुई को 2 घंटे बढ़ाना है। चलो पहले सुई को 4 पर बढ़ाते हैं, फिर 5 पर। इसका मतलब है कि 2 घंटे बाद 5 बज चुके होंगे। अब 5 बजे हैं। 1.5 घंटे बाद कितना समय होगा? 1.5 घंटा मतलब 1 घंटा 30 मिनट। तो चलो सबसे पहले घंटे की सुई को एक बार बढ़ा लेते हैं। तो घंटे की सुई अब कितने पर आ गई? 6 पर आ गई। अब मिनट की सुई को बढ़ाते हैं, 30 मिनट बढ़ाना है। चलो 5-5 के ग्रुप में बढ़ाते हैं। मिनट की सुई 12 पर है,
जब यह एक पर जाती है तो 5 मिनट हो जाता है, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25। तो मिनट की सुई 6 पर आ गई और घड़ी में कितना बज गया? घड़ी में समय हुआ 6:30, मतलब 5 से 1.5 घंटे बाद 6:30 हो जाता है। चलो अब मान लो कि समय 8:30 हुआ है, यानी 8:30, 2 घंटे 15 मिनट बाद क्या समय होगा? सबसे पहले तो घंटे की सुई में 2 घंटे बढ़ा देते हैं, तो अब घंटे की सुई 8 पे थी, कहाँ पहुँच गई? 10 पर। अब मिनट की सुई में 15 मिनट बढ़ा देते हैं। अब इसे कैसे करेंगे? 5-5 के समूह में करते हैं, ठीक है? 5-5 के अंतराल से बढ़ाएंगे, तो 5, 10, 15। मिनट की सुई 7 से कहाँ आ गई? 9 पर आ चुकी है, तो हमने मिनट की सुई को 15 मिनट बढ़ाया है और यह अब 9 पर है। इसका मतलब है 10:45 हो चुके हैं, तो 2 घंटे 15 मिनट के बाद यह 10:45 पर होगी। आशा है बच्चों आपने समय की इस वीडियो को अच्छे से समझा होगा। बच्चों अपनी खुद की घड़ी भी बनाओ और कोशिश करो उसमें अलग अलग समय दिखाने की। पढ़ते रहो, सीखते रहो, फिर मिलेंगे। बाय बाय।